हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके के नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ यह न्यूज़ अमर उजाला ई पेपर के प्रयागराज शहर के संस्करण में 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हरी झंडी, प्रयागराज होगा मुख्यालय। कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों का एक जगह से होगा चयन। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंगलवार को हरी झंडी दे दी गई। आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी दी गई। विधानमंडल के आगामी सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। इससे विभिन्न स्तर पर शिक्षक भर्ती का इंतजार भी जल्द समाप्त होगा। मसौदे के अनुसार आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल व संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा। साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायक सहयोग शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा। यह एक निगमित निकाय होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। अभी तक विभिन्न विभागों में शिक्षकों के चयन के लिए संस्था स्तर की चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग की ओर से अलग अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको एक रूपता देने योग्य शिक्षकों व अनुदेशकों के चयन के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है। प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व संस्कृत विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है और नए आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से 3 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए तैनात होंगे। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा। माना जा रहा है कि नए आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई वरिष्ठ IAS या प्रमुख शिक्षाविद की तैनाती शासन करेगा। वहीं सदस्यों में न्यायिक सेवा व अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा और 5,000 से अधिक भर्तियों का होगा रास्ता साफ। नए आयोग के गठन पर सबसे ज्यादा निगाहें युवाओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की लगी हुई थी। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक वे इसके गठन और नई भर्तियां जारी करने के लिए आंदोलन भी कर रहे थे। इस नए आयोग के गठन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। इसकी वजह से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक एक कर सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता गया, लेकिन नए सदस्य नहीं तैनात हुए। 5,000 पदों पर अटकी है भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT भर्ती के लिए लगभग 5,000 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं और भर्ती अटकी हुई है। इसके लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदक हैं। स्थिति ऐसी हुई कि मामला हाईकोर्ट तक गया। इसके बाद नए आयोग के गठन में तेजी आई। तो इस प्रकार से ये थी पूरी न्यूज़, और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू।